मैं सुन रहा था रात आठ बजे गए इस पार्क। चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस। यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। तो गाइस हैं मतलब और आज चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम रंगों। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो लोकल के, यही कह रहे थे तो आ जाऊँ यहाँ पे। हाय तो ये लोग पता है क्या करते हैं, ये लोग स्कूल की छुट्टी तो लोग संडे संडे वैसे स्कूल से आने के बाद यहीं पे छिलवाड़ में मजे करते हैं और यहीं पे मतलब रात को भी घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है तो चलो और यार यहाँ पे मतलब सही है बना है जो मजे करते हो। चलो फिर आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या। तो गाइस यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटें हो गई या प्लांट हो गए वो प्रॉपर ढंग से मेंटेन किए गए हैं। यहाँ पे नीचे की टाइम भी प्रॉपर ढंग से मेंटेन की गई है, बैठने की सीटें बैठने की सीटें हैं वो ढंग से मेंटेन की गई है। ऐसे नहीं कि बना के बैठ गया है कोई बैठे नहीं किए, प्रॉपर ढंग से यहाँ पे मेंटेन की गई है। और इसके अलावा मैं कहूँगी यहाँ पे गार्ड भी रखे गए हैं, हर 100 मीटर पे एक या दो गार्ड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे पब्लिक एक तो स्पोर्ट चीज़ें पड़ी हुई है या यहाँ पे गंदगी कुछ कुछ जगह हम देख रहे हैं गंदगी बहुत ज़्यादा फैला रखी है, ये चीज़ें थोड़ी सीख नहीं है। और यहाँ पे आपके साथ देख सकते हो ये गेम को लेके या मोटर को लेके क्या चीज़ें होटल लगा रखी है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर कर रही है लोगों को। और जैसा कि देख रहे हैं इधर गाड़ियाँ चल रही है और इधर इतनी गाड़ियाँ रोड में खुली चल रही है क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे रोड को जो रोड की दूरी था वो कम कर दी गई है। उससे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि फुटपाथ की जो फिर था वो बढ़ा दी गई है, रोड की भी कम कर दी गई तो उसको लेकर पूरी ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन हाँ देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि के लिए बहुत ज़्यादा ये बढ़िया हो गया क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके घूम रही है, बच्चे खेल रहे हैं वो लोग यहाँ पे आके एक आराम से सुबह आके गौर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। लोगों को ये है कि पार्क जाने की जरूरत है नहीं, लोग घूमने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और गाइस वीडियो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और दिल्ली के सिटीजन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हर जगह जो भी नया नया काम हो रहा है दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन का या जो भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि वो काम हम आप तक पहुंचाएं, आपको दिखाएं कि क्या क्या नया काम हो रहा है। तो इसी कारण हम आज बदलीस पार्क आए हुए हैं तो यहाँ की जो काम हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से ये मान लो कि स्टार्टिंग है और ये रोड का काफ़ी लंबा काम हुआ है। जैसे हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक स्टेज बनाया हुआ है और स्टेज के ऊपर मैं आपको दिखाऊँ तो लाइटें लगाई हुई है क्योंकि रात को 6 बजे के बाद यहाँ पे लाइटें जलाई जाती हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है लाइटें और सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको अगर बैठने की व्यवस्था दिखाऊँ तो नीचे जैसा आप देख पा रहे हैं नीचे बैठने की पूरी व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पे। और पीछे अगर दिखाऊँ तो पीछे भी यहाँ पे लाइट के पोल लगाए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ऊपर जाके मेरे ख्याल में 4 पोल लगाए गए हैं चारों दिशा में चारों डायरेक्शन में ताकि चारों तरफ लाइट बराबर पहुँच सके। अगर आगे बात करें तो नीचे आप देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मेंटेन किया गया है, भी पेड़ पौधे छोटे छोटे प्लांट लगाए गए हैं यहाँ पे तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये क्या है कि पॉल्यूशन को भी एक चीज़ से कंट्रोल करता है, ये जो ट्रैफिक चल रहा है यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ताकि यहाँ पे पॉल्यूशन के काम रहते। और यहाँ पे यहाँ की सबसे सुंदर बात या सबसे खास बात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फुटपाथ है और इधर रोड है और रोड के अगर यहाँ देखिए तो पूरी हरियाली है यहाँ पे पूरा खेत और क्यों में हो रही है वो नहीं ध्यान दिया है।
अभी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊँ साइड, तो पहले रोड है, रोड के बगल में दो ग्रीनरी लगाई गई है और उसके बगल में फुटपाथ है, उसके बीच में एक बाइक और साइकिलिंग के लिए एक रोड बनाई गई है। अगर यहाँ की बात करें तो ये सिर्फ पैदल चलने के लिए, घूमने के लिए, छोटे बच्चों को खेलने के लिए ये जगह यहाँ पे रखी गई है। ये पहले यहाँ पे लगाई गई है ब्लैक कलर और रेड कलर और ये थोड़ा सा पिंक कलर का इसका कॉम्बिनेशन है और पेड़ पौधों पर खासा ध्यान दिया गया है यहाँ भी। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊँ तो ओलंपिक वाले वही होर्डिंग वगैरह वो सब वो चीज़ यहाँ पे लगाई गई है ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे उसको, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी यहाँ की। और ये पेड़ पौधे जो इस साइड के पेड़ पौधे हैं भाई, ये पेड़ पौधे बहुत ही शानदार लगते हैं देखने में। और लोग यहाँ भी आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है, लोग यहाँ पे अभी भी बता के दो बज रखे हैं, अभी भी यहाँ पे दो बज वॉकिंग करने के लिए आ रहे हैं लोग, गाड़ी घूम रहे हैं पब्लिक यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ें गवर्नमेंट ने बनाई है वो लोगों ने बिल्कुल 100% पास की। अभी थोड़ा सा आगे और चलते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने सुंदर ढंग से यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट लगाए गए और पेड़ पौधों को ऐसे बचाया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। और पूरा हम आगे चलते हैं तो फोन यहाँ पे लगाया गया है, इस पर शायद तिरंगा झंडा शायद लगेगा, जहाँ से लग रहा है। और पीछे की साइड दिखाऊँ तो बैठने का पूरा इस पर ये टाइल लगाई गई है ब्लैक कलर की, क्या बैठ सकते पूरा रोड का साइकिल और बाइक के लिए पूरा रोड बनाया गया है। आगे चले आगे बात करूँ आगे तो आगे एक और स्टेचू बनाया गया है, ये है जेवलिन का, जो कि 2021 का जो ईयर रहा था वो आपके लिए गोल्डन ईयर रहा था। हमारे जो खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उन्होंने गोल्ड जैसे जेवलिन देने का होता है जेवलिन का, तो ताकि यहाँ पे जितने भी बच्चे निकलते हो, जितने भी छुट्टी की आस निकलती हो तो एक इंस्पायर होती हो, इंस्पायर हो, गेम को लेके मोटिवेट हो, उसी कारण ये चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। ये भी आप देख सकते हो क्या हो गया, यहाँ पे एक शेड है, यहाँ पे एक वो पहले ऐसे करती। स्टॉप करना